सृष्टि जिसकी रचना एक अणु के विस्फोट से हुई। इस सृष्टि में छोटे बड़े असंख्य चराचर जीव निवास करते हैं। ये ब्रह्मांड कई अरबों खरबों बार बना और बिगड़ा। अगर कुछ नहीं बदला तो वह इस ब्रह्मांड का निर्माता। भारतीय सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के रचयिता, रक्षक और सहारक के रूप में है। भगवान विष्णु और शंकर जी के कई पूजनीय तीर्थ स्थल हैं, किंतु सृष्टि को रचने वाले प्रजापिता श्री ब्रह्मा जी का पृथ्वी लोक पर एकमात्र स्थापित मंदिर पुष्कर में है। जो भी हम लोग अपने नेत्रों से देखते हैं, भगवान ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि है। क्यों है भगवान ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर और क्या है भगवान ब्रह्मा जी के चार मुख का राज, जानेंगे आज के इंडिया टू भारत के एपिसोड में। नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। यूं तो भारत के हर तीर्थ की अपनी महानता और पावनता है, लेकिन इन सब तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है पुष्कर तीर्थ। जिस तरह से प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है, उसी तरह पुष्कर को तीर्थों का गुरु कहा जाता है। तो आइए आज आपको दर्शन करवाते हैं पुष्कर के, राजस्थान के, भारत के और विश्व के एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर में, जो कि ब्रह्मा जी का इस पृथ्वी पर सबसे प्राचीन निवास स्थान है। जैसे मनुष्य का एक पिता होता है, ऐसे संसार का भी एक ही पिता है। इसलिए भी ये रहस्य है कि जगत पिता का मंदिर शास्त्रोक्त विधि से एक ही होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। पुष्कर के राजा ब्रह्मा जी का मंदिर तीनों तरफ से अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से गिरा है और पुष्कर के रंग बिरंगे और रौनक भरे बाजारों में से गुजरते हुए पुष्कर झील के किनारे अंतिम शोर पर स्थित है। पुष्कर के बारे में यह बता देना आवश्यक है कि पुष्कर एक नहीं तीन है। कनिष्ठ पुष्कर, जिसे बूढ़ा पुष्कर भी कहा जाता है और रुद्र पुष्कर भी कहा जाता है। उसके बाद मध्य पुष्कर, जिसे विष्णु पुष्कर भी कहा जाता है, और जिस जगह हम खड़े हैं इसे ब्रह्म पुष्कर और ज्येष्ठ पुष्कर भी कहा जाता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जहां से हम 30-35 सीढ़ियां चढ़कर भगवान ब्रह्मा जी के चतुर्मुख रूप के अलौकिक दर्शन करेंगे। भगवान विष्णु की नाभि स्थल से ब्रह्मा जी अवतरित हुए। पद्म पुराण के अंतर्गत सृष्टि खंड है, सृष्टि खंड के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा जी की कथा है। वैसे तो पिछले कुछ समय से ब्रह्मा जी के कुछ एक मंदिर अस्तित्व में आए हैं, लेकिन पुराणों में लिखे गए लेखों के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने धरती लोक पर अपने निवास के लिए यह स्थान चुना। पुष्कर में प्रभु स्वयंभू हैं। भगवान ब्रह्मा जी को षष्ठि का रचयिता माना जाता है और तीर्थ गुरु पुष्कर को षष्ठी रचना का केंद्र माना जाता है। ब्रह्मा की आयु बहुत लंबी होती है, चारों कल्प सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों 1000 साल बीतते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इससे ब्रह्मा जी का 50वां साल चल रहा है, तो ब्रह्मा जी की तो आयु अरबों खरबों वर्ष की पुरानी है। सतयुग से स्थापित यह तीर्थ एक रहस्य में लोक की तरह दिखता है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको हर वस्तु और प्रतिमा मौन रहकर भी एक गूढ़ रहस्य बयान करती हुई प्रतीत होती है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का साक्षात्वास है। मंदिर के शिखर को केसरिया रंग दिया गया है और मंडप गृह को नीला रंग दिया गया है, जो इस मंदिर को बाकी भारतीय तीर्थों से अलग भव्यता प्रदान करता है।
भगवान विष्णु के कश्यप अवतार की चांदी की प्रतिमा मंडप गृह में सभी भक्तों का स्वागत करती है। गर्भगृह में स्वयंभू ब्रह्मा जी गायत्री माँ के साथ विराजित हैं। तो आइए हम सब राशि छवि वाले कमल पर सुशोभित ब्रह्मा जी की चार मुख वाली प्रतिमा के साक्षात दिव्य दर्शन करें। ब्रह्मा जी के पुष्कर में एकमात्र मंदिर के पीछे अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली और ऋषियों की तप स्थली पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ किया था। तो ऐसा ब्रह्मा जी ने विचार किया ब्रह्मलोक में बैठे बैठे कि पृथ्वीलोक पर अपना कोई तीर्थ होना चाहिए। इस संकल्प के साथ उन्होंने एक कमल का पुष्प जो उनके हाथ में रहता है स्वस्ति 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 के नाम से संकल्प करके छोड़ दिया। ब्रह्मलोक से वो पुष्कर राज में ही आके गिरा। यही पुष्प के गिरने से जल की उत्पत्ति हुई। तो फिर ऋषियों ने कहा पत्नी पत्नी पत्नी, अपने यहाँ कोई भी धार्मिक कार्य होता है वो बिना पत्नी के नहीं होता है, क्योंकि पत्नी का संबोधन धर्म पत्नी है। माँ सवित्री को यज्ञ में लाने के लिए नारद जी को ब्रह्मलोक भेजा गया। मां सवित्री जी के किसी कारणवश देरी होने पर सभी देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी ने गोकन्या को यज्ञ संपन्न करने के लिए अपने साथ बिठा लिया। ब्रह्मा जी के साथ में बगल में दाहिनी ओर वेद माता गायत्री विराजित है। जब मां सवित्री आई तो देखा कि यज्ञ शुरू हो चुका था। यज्ञ स्थल पर आए देखा कि ब्रह्मा जी के पास में गायत्री बैठी है, यज्ञ शुरू हो चुका है। तो वो नाराज हुई, अभिशाप नहीं नाराज हुई। तो संसार में हम लोगों को सिखाने के लिए एक उन्होंने ये कहा कि हे परम जगत पिता, आपने मेरे होते हुए दूसरी पत्नी का वरण किया है, ये अच्छा नहीं किया। तो इस तरह से माँ सवित्री जी ब्रह्मा जी से बोल ली कि जिस स्थान पर ये यज्ञ किया जा रहा है आपकी शास्त्र विधि से पूजा इस पुष्कर धरती पर ही होगी, और खुद माता रानी जी ब्रह्मा मंदिर के पीछे 800 फुट ऊपर पहाड़ी पर विराजमान हो गई, यहां आज भी विश्व कल्याण के लिए जप कर रही हैं। सतयुग से स्थापित इस मंदिर की कई विशेषताएं और गूढ़ रहस्य हैं। ब्रह्मा जी का यह मंदिर नागर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। नागर वास्तुकला जिसमें संपूर्ण मंदिर का निर्माण एक ही विशाल चबूतरे पर किया जाता है और मंदिर के मुख्य शिखर के साथ छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया जाता है। मंदिर में भगवान ब्रह्मा जी की स्वयंभू प्रतिमा है। भगवान ब्रह्मा जी की जो मूर्ति है चतुर्मुख रूप में है, आप देखेंगे तो तीन जो चेहरे हैं वो आपको सामने की ओर दिखाई देते हैं और एक चेहरा आपको पीछे की ओर दिखाई देता है। ब्रह्मा जी का चौथा मुख पीछे की तरफ है जो इस शीशे में दिखाई देता है, जो कहीं ना कहीं जीवन की चार अवस्थाएं बाल्यावस्था किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था धर्म अर्थ काम और मोक्ष ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास इन चार आश्रमों को इंगित करते हैं। ध्यान से देखने पर ब्रह्मा जी के चार चेहरों के अलग अलग भाव दिखाई देते हैं। पूर्व दिशा में जो मुख है उसको षष्ठी मुख कहते हैं। षष्ठी मुख का अर्थ है कि भगवान ने संपूर्ण विश्व की सृष्टि का उत्पन्न किया और ज्ञान चारों वेदों को उत्पन्न किया। ज्ञान और सृष्टि का उद्भव पूर्व मुख से हुआ, इसका नाम षष्ठी मुख है। दूसरा मुख है वो है आपका चिंतन मुख है। जो पश्चिम वाले मुख है वो समाधि मुख है। चौथा मुख है जो है इधर उत्तर की तरफ है वो बाल मुख है। तो गायत्री तो अभी गोपकन्या आई है तो इसके साथ तो बाल जैसा मुख बनाना पड़ेगा। तो जो उत्तर मुख है वो गायत्री के साथ विवाह किया था ना,
तो बालमुख है, आप देखोगे तो वैसे लगेगा सौम्य और अलग अलग रूप है। इस प्रकार चारों मुंह में चार अलग प्रकार के भाव है। गर्भगृही के बाहर ब्रह्मा जी के चार पुत्रों सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार की मनोहर प्रतिमाएं स्थापित हैं। सनक अर्थात प्राचीन पौराणिक, सनातन अर्थात अविनाशी, सनत सदैव युवा और सनंदन अर्थात आनंदित। यह चार पुत्र ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे पहले अवतरित हुए और उनके बिल्कुल सामने उनके वाहन हंस की प्रतिमा सुशोभित है। ब्रह्मा जी का वाहन राजहंस है। जैसे ही आप मंदिर में प्रविष्ट होते हैं, मुख्य द्वार के ऊपर ही वो वाहन अवस्थित है। हंस की एक विशेषता होती है कि वो दूध और पानी को मिला के रख दो आप, तो वो दूध दूध को पी लेता है और पानी पानी को छोड़ देता है। इसे कहते हैं नीर क्षीर विवेक। तो नीर क्षीर विवेक के द्वारा हंस उसका प्रतीक है। चतुर्मुख की तरह ही ब्रह्मा जी के चार हाथ हैं और चार हाथ में कर्मक्ष, अक्षमाला, कमंडल, पुष्प और वेद हैं, जो जीवन की चार स्थितियां समय, ज्ञान, जल से जीवन की उत्पत्ति और जीवन के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। बचपन से ही हम प्राचीन लेखनों में सुनते आ रहे हैं कि जब भी किसी देवता, मनुष्य, राक्षस को अपने जीवन में कोई भी समस्या आन पड़ी तो वे उसके समाधान के लिए ब्रह्मा जी के पास ही गए। ऐसा शायद इसीलिए कि भगवान ब्रह्मा जी वेदों के रचयिता हैं। ब्रह्मा जी जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की थी, उनका दर्शन पुष्कर में मानो सारी सृष्टि के दर्शन के बराबर है। तो अभी हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ी देर में ही ब्रह्मा जी की महाआरती शुरू होने वाली है। यह देवस्थल कई रहस्यों से अभिभूत है। प्रवेश द्वार पर ही इंद्र और कुबेर जी के मंदिर द्वारपाल की भूमिका में स्थापित है। शायद ही भारत के किसी और तीर्थ स्थल पर इंद्र और कुबेर भगवान की इकट्ठी प्रतिमाएं दिखाई देंगी। साथ में 500 वर्ष पुराना एक गणेश जी का छोटा सा मंदिर भी इसी परिसर में स्थित है। पुराणों में लेखों के अनुसार सतयुगम केवलम पुष्करम, द्वापरम नैमिषारण्यम, कलयुगे गंगा प्रसिद्ध है। अर्थात सतयुग में पुष्कर तीर्थ, द्वापर में नैमिषारण्य और कलयुग में माँ गंगा सब तीर्थों में प्रमुख होंगे। यूं तो सारा साल भगवान ब्रह्मा जी के इस निवास स्थान पर भक्तों का तांता लगा रहता है, मगर वार्षिक मेला पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा के 5 दिनों में। कार्तिक शुक्ला एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक पंच दिवसीय महोत्सव मेले के रूप में यहाँ मनाया जाता है, जो केवल न कि पशु मेला है बल्कि साथ साथ धार्मिक मेला भी है। उन 5 दिवस में पुष्करराज की शक्तियाँ इतनी प्रस्फुरित होती है कि यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर दर्शन करने से वो अपने सारे पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। इस 5 दिवस के अंदर न केवल भारत से अपितु कई देशों से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। कुछ विशिष्टताएं यहाँ पर आ जाती है। आध्यात्मिक ऊर्जा और धार्मिक भाव इस प्रकार से प्रस्फुरित होता है कि आप उसका हम अपने शब्दों से उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं। पुष्कर मेला भारतीय संस्कृति की पारंपरिक झलक है, जिसमें आस्था और उल्लास का संगम देखने को मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला और पशु मेला यहीं पर लगता है, जिसमें देशी और विदेशी हर तरह का रंग देखने को मिलता है। पुष्कर की पतित पावन धरती की पौराणिकता का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहां सभी धर्मों के महापुरुष अपने अपने समय पर पुष्कर राज के आगे अपना आदर सत्कार अर्पित करने आए।
बिहार के सांची स्तूप के दान लेखों में जिनका समय ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी है कई बौद्ध भिक्षुओं के दान का वर्णन मिलता है जो पुष्कर में निवास करते थे। आर्य समाज के निर्माता श्री दयानंद सरस्वती जी भी प्रजापिता ब्रह्मा जी के मंदिर में आए। मंदिर प्रांगण में ही आज भी दयानंद जी का कक्ष है। जैन धर्म ने भी पुष्कर को अपना प्राचीन तीर्थ माना है। सतयुग से स्थापित स्वयं भू ब्रह्मा जी के इस तीर्थ स्थल की अवधि की गणना करना तो मुमकिन नहीं है, किंतु इस मंदिर की निर्माण कला का जीर्णोद्धार समय समय पर होता रहा है। सबसे पहले सनातन श्रेष्ठ शंकराचार्य जी ने 713 ईस्वी में विश्व के इस एकमात्र ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार किया। 713 ईस्वी में आदि शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार कराया था और बाद में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया था और समय समय पर जो हमारे महंत महाराज रहे हैं उन्होंने भी इसका विस्तार और विकास इसका करवाया। वर्तमान में जो स्वरूप आपको दिखाई देता है ये लगभग 300 वर्ष पुराना स्वरूप है जो प्रकोटे पर अवस्थित है। आप इसको अगर बाहर से देखेंगे तो बुर्ज और किलेनुमा मंदिर की संरचना दिखाई देती है। मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी और अनुशासित है। इंडिया टू भारत की टीम ब्रह्मा जी के मंदिर में ये जनश्रुति सुनकर आए थे कि यह शापित मंदिर है, किंतु यहाँ के विद्वानों के मत, धार्मिक वातावरण और श्रद्धालुओं की श्रद्धा देखकर किंचित भी ये अनुभूति नहीं हुई कि यह एक शापित स्थल है। और कौन जाने पुष्कर को अपना एकमात्र धर्म स्थान बनाने की विधि के विधाता ब्रह्मा जी की अपनी ही इच्छा रही होगी। अग्नि, वायु, जल, आकाश, चंद्रमा और सूर्य के उद्देश्य से जितने भी कर्म हैं उन सबके देवता ब्रह्मा जी ही हैं। हमारे माता पिता हमारी छोटी छोटी इच्छाओं का भी कितना ख्याल रखते हैं और पूरी करने का प्रयत्न करते हैं। यह तो जगत के पिता हैं, इनके दरबार में तो हर इच्छा पूरी हो। और इतिहास से भी प्राचीन इस धर्म नगरी में एक दूसरे का अभिवादन अपने इष्ट देव ब्रह्मा जी के जय घोष से किया जाता है। ये ब्रह्मांड के अंदर आए हुए सकल तीर्थ का गुरु है, इसलिए तीर्थ गुरु पुष्कर राज महाराज की जय। जय पुष्कर राज की। जय पुष्कर जी। जय पुष्कर राज की। 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 विश्व का एकमात्र प्राण प्रतिष्ठित वेदोक्त शास्त्र के पुराणोक्त रीति से निर्मित भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में विराजित है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आइए दर्शन लाभ लीजिए। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। मेरी नजर तो बाहर है पर तू सबके अंदर है। मेरी नजर तो बाहर है पर तू सबके अंदर है। तू है सबसे बड़ा मदारी और हम तेरे बंदर है। अब बात करते हैं पुष्कर में पहुंचने का रास्ता। ब्रह्मा जी का मंदिर अजमेर जिले से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नजदीकी रेल मार्ग अजमेर जंक्शन पड़ता है। वायु मार्ग से आना हो तो नजदीकी हवाई अड्डा जयपुर पड़ता है। सड़क मार्ग से भी सुगमता से अपने निजी वाहन से पहुंचा जा सकता है।